आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही मैम, आप भी बहुत। नहीं नहीं उनके लिए ठीक है, नहीं 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 वो लग रही है ब्यूटीफुल, बस उस पर बात खत्म कर दीजिए। नहीं नहीं आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए, आज शुरुआत हो चुकी है, आपने फोटो शूट भी किया है, कितना एक्साइटमेंट है नए सीजन के लिए? बहुत बहुत उत्साहित हैं हम सभी, और आई थिंक 1.5 साल के बाद हम सभी साथ मिल रहे हैं। हाँ हम मिले हैं, ऑनेस्टली आई हैव नेवर मेट, आई हैव नॉट मेट एनीवन ओनली इन द लास्ट वन ईयर, हम जस्ट बुलाती नहीं है। अच्छा वरना मिल लेते, और दादा रहते नहीं हैं बॉम्बे में, हमेशा बाहर रहते हैं, लेकिन इस बार फिर लॉकडाउन की वजह से मिले नहीं। बिल्कुल एक्साइटेड है, बट हम बहुत एक्साइटेड है, कमाल का शो है, आप देखते आए हैं, ये हमारा 4th season है, एंड एज यूजुअल सोनी टीवी रियली स्काउट्स द बेस्ट टैलेंट इन द कंट्री, एंड हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। मैम आप कुछ बोलना चाहिए, कितने आप 1.5 साल बाद आप मिल रहे हैं और साथ, बहुत कितने एक्साइटमेंट है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस दौरान दादा ने बहुत दादा घूमे हैं फिरे हैं, बहुत सारी चीज़ों का वो ब्रह्मांड कर चुके हैं, खाना खा चुके हैं, अलग क्विजीन ट्राई कर चुके हैं, तो ये असर बच्चों पे क्या होगा हमको वो देखना है, और जितना उन्होंने और जितना वो घूमे हैं उतना ये लॉकडाउन में रही है, तो मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने अपने बेबी के साथ बहुत सारा वक्त स्पेंड किया है, सो हाउ इज़ इट नाउ गोइंग टू बी, के मतलब वो लव प्यार वो शेयर करने वाली हैं, और मेरा तो चलता रहता है। दादा आप कुछ बोलना चाहिए? कुछ नहीं, सुपर डांसर के परिवार को मिस कर रहा था, ये अवसर है क्योंकि परिवार बन चुका है, 3 सीजन हो गए सब, मतलब वही टीम है, वही लोग हैं, सो आज ऐसा रियूनियन जैसा हो रहा है, इतने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, हर बार इंजॉय किए, इस बार और ज़्यादा इंजॉय। शिल्पा मैम, ऑडिशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इस साल का ऑडिशन किस तरह होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्या होगा, मतलब आप अलग अलग स्टेट में जाएंगे या ऑडिशन ऑनलाइन होगा, कुछ बताना चाहिए? जी सो इस बार जो तरीका अपनाया गया है वो बहुत ही अलग है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, कोविड के बाद सब लोगों ने अपने तरीके जो हैं वो बदल दिया है, सो आई थिंक डिजिटल ऑडिशंस इज़ द वे फॉरवर्ड, और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, जो जानते हैं कि इर्द गिर्द कोई टैलेंटेड बच्चा है, तो प्लीज़ आपके एंट्रीज 25th Feb तक प्लीज़ दर्ज करें, प्लीज़ स्पीक, क्या वो अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हो तो। हाँ और एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया, क्योंकि अभी कोई भी आपको पंक्तियों में लाइनों में नहीं खड़ा होने पड़ेगा, आपको ट्रैवल करके किसी शहर में नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं अर्जियां नहीं देनी पड़ेंगी, आप अपने घर से एंट्रीज भेज सकते हैं, और हम यहाँ पे और इतने हजारों के तादाद में आ रहे हैं अभी एंट्रीज लोगों के, तो मुझे तो उम्मीद है, हमारा काम थोड़ा मुश्किल होगा चुनना, क्योंकि एंट्रीज बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन कुछ नए भी आएंगे, नए तरीके के आएंगे, अच्छे टैलेंट आएंगे, वी आर जस्ट होपिंग। बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें कोविड सिचुएशन में क्या क्या आप लोगों ने किया, क्योंकि सभी घरों में थे, आप लोगों ने क्या क्या नया सीखा, क्या क्या किया आप लोगों ने? दादा आपने क्या किया कोविड लॉकडाउन के दौरान? मैं बर्तन झाड़ू पोछा जो सब ये सब ने किया, मैंने भी किया। आपने क्या किया? मैं बस बच्चों के साथ बहुत सारा वक्त बिताया मैंने, एंड मैं ऑनेस्टली ये सोचती हूँ कि कुछ चीज़ें हम प्लान नहीं कर सकते, मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ, तो मेरे घर तो नई बच्ची पैदा हुई, तो आई कुडंट हैव प्लान्ड इट बेटर, लेकिन ये कोविड का जो दौर है वो बहुत मुश्किल रहा है बहुतों के लिए, तो माई हार्ट गोज आउट टू देम ऑनेस्टली। ये तो मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी, मैंने अगर कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता शायद मुझे, लेकिन जो मांगा था वो मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। बट आई थिंक the one thing that has been in common for most people is I think it's kind of dawned upon us some kind of realization ek alag level pe on all of us on some level I think we've just for many things humko aise lag raha hai ki is daur mein humne bahut kuch realize kiya ki family ke time jo waqt bitaya hai hum sabhi ne I just feel that has become now a priority in my life nahi to मतलब ये भाग दौड़ वाली जिंदगी में वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू यू नो अचीव समथिंग और द अदर, बट नाउ दोस दैट थिंग हैज चेंज्ड, कुछ नया फॉर्मेट दिखेगा एटा, कुछ अलग कुछ दिख पाएगा शो में? फॉर्मेट तो ऑलरेडी चेंज हो ही चुका है, जो हम ऑडिशंस कर ही रहे थे वैसे,
नाउ इट्स बिकम डिजिटल, तो वो फॉर्मेट तो वैसे ही चेंज हो गया, लेकिन जो डीएनए है शो का, जो एक्चुअल डीएनए है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं. वी गोना कीप इट लाइक दैट. हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि स्टाइल्स अलग आएंगे, बच्चों का हुनर हमें और निखर के देखने मिलेगा, सो दैट इज़ ऑलवेज देयर. बट आई थिंक ये फॉर्मेट लोगों को वैसे ही पसंद आया है, तो उसको चेंज करके कोई मतलब नहीं है. जो कमाल है उसे चेंज क्यों करना. Absolutely. हाँ, एक चीज़ बदल जाएगी आई थिंक, हमारे लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स विल बी अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. यस, दैट एंड बच्चों के लिए भी, तो उसको हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते, सो दैट डेफिनेटली विल बी इम्पॉर्टेंट.